नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परमजीत और आपका रीड टुगेदर रीड चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे मैं हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश तीन लैंग्वेज की बुक्स का रिव्यू करता हूँ। तो बुक्स रिव्यू देखने के लिए, बुक समीक्षा देखने के लिए ये चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। खास बात इस चैनल की यह है कि इस पर मैं नए लेखकों को या नई बुक्स का रिव्यू करता हूँ, क्योंकि फेमस बुक्स का आपको आसानी से पता चल जाता है, लेकिन जो नई बुक्स होती है तो उसको खरीदने के लिए हम देखते हैं कि इसमें क्या है, हमें पता नहीं होता। तो वो सारी ही बातें इस चैनल के माध्यम से मैं आपके तक पहुंचाता हूं। तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। आज इस वीडियो में एक हिंदी उपन्यास का रिव्यू लेकर पेश हुआ हूँ, जिसका नाम है 3020 ईस्वी। हाँ जी, ये नावल 1000 आगे की बात करता है, वो आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि क्या बात कर रहा है। तो इसके लेखक हैं राकेश शंकर भारती और इसको पब्लिश किया है अमन प्रकाशन द्वारा। इस किताब के टोटल पन्ने हैं 200 और इसका जो पेपरबैक प्राइस है 250। उपन्यास के मुख्य विषय की बात करें तो विषय है कोरोना वायरस और धरती पर प्रलय आने के कारण मंगल पर मानव बस्ती बसाने पर आधारित है उपन्यास। उपन्यास में तीन कथानक समांतर चलते हैं। पहला कथानक है भारत में कोरोना वायरस की मार झेल रहा तीन पीढ़ियों का परिवार, जिसमें धर्मपाल, द्वारपाल और रामपाल, ये दादा, पिता और पुत्र, तीन पीढ़ियों का यह परिवार है। और कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है, तो वो सारी ही जो स्थिति है वो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताई है कि भारत में कोरोना कैसे आया, कब लॉकडाउन लगा, A to Z चीज जो सरकार के माध्यम से जो लोगों की मार है, या चाहे पुलिस ने पिटाई की, मास्क का रोला या इंजेक्शन, कुछ भी हो कोरोना वायरस का, वो सारा ही लेखक ने इस कथानक में बताया है। दूसरा कथानक है यूक्रेन का। यूक्रेन में उलियाना पात्र के जरिए वहां की औरतों की स्थिति और प्यार की दास्ता बयान किया लेखिका ने। उलियाना को दो बार प्यार में धोखा मिल चुका है। कुछ समय उनका प्रेमी उनके साथ रहते हैं, बच्चा पैदा किया, फिर उनको छोड़कर चले जाते हैं। तो जो उनका कानून है यूक्रेन का, उनके मुताबिक बच्चा है जो माँ के पास ही रहता है अगर माँ पागल नहीं है। उपन्यास का तीसरा कथानक है मंगल ग्रह का। ये लेखक की आज की कल्पना है और कल का यथार्थ है। मानव को मंगल ग्रह पर बस्ती क्यों बसानी पड़ रही है, इसका सिर्फ रीजन है वो इंसान ही है, क्योंकि इंसान ने धरती को इतना तबाह कर दिया, धरती पे जो भी कुदरती स्रोत थे सब तबाह कर दिए, उसी विनाश के कारण धरती पे प्रलय आ जाता है, यानी कि पानी ही पानी हो जाता है और धरती पानी में ही समो रही है। तो उसके कारण मंगल ग्रह पर जो जीवन का संभव है, जितना भी वैज्ञानिकों ने अभी तक पता लगाया है, उस तहत ही लेखक ने कल्पना किया है। और साथ में बहुत कुछ उनका जो डाटा है मंगल ग्रह का, कि हमारे से दिन कितना बड़ा है, रात कितनी बड़ी है, यानी कि हमारे जो दिन है धरती पे बहुत 12 घंटे का होता है और वहां पे मंगल ग्रह पे 24 घंटे का दिन होता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर है लेखक का। साथ में कुछ ऐसे पात्र भी लिए हैं लेखक ने, जैसे कि वो खुद गए हैं मंगल ग्रह पे, ये उपन्यास के जरिए अपने बेटे दवित को लेकर गए हैं, साथ में ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और साथ में ही कुछ लेखक मित्रों को भी साथ में ही वो मंगल ग्रह पे लेकर गए हैं। किताब के मजबूत पक्ष की बात करें तो इसकी कहानी ही मजबूत पक्ष है, क्योंकि कहानी बहुत ही ज्यादा यूनिक है। हिंदी साहित्य में ऐसी कहानी बहुत ही ज्यादा कम है। शायद मैंने तो अभी तक ऐसी कोई किताब या ऐसी कोई कहानी नहीं पढ़ी जिसमें मंगल ग्रह का जिक्र हो और मंगल ग्रह पर मानव द्वारा बस्ती बसाने का जिक्र हो। तो इस तहत ये कहानी बहुत ही ज्यादा यूनिक है। और साथ में ही जिस तरह से लेखक ने आंकड़े पेश किए हैं मंगल ग्रह के, क्योंकि लेखक को खगोल के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है और उसी तहत उन्होंने बहुत सारे आंकड़े पेश किए हैं जो आम पाठकों के लिए बहुत ही अनमूल्य है। जैसे कि मंगल ग्रह और धरती की बात करें तो दोनों में दिन रात का बहुत ज्यादा बड़ा अंतर है। धरती पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, और मंगल ग्रह पे 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात होती है, क्योंकि सूर्य के इर्द गिर्द जब धरती चक्कर लगाती है तो कम समय लेती है और मंगल ग्रह वो बहुत ज्यादा समय लेता है। और मंगल ग्रह पर बहुत ही ज्यादा ठंड है, -160-170 डिग्री तापमान होता है। और साथ में ही जो मंगल ग्रह की मिट्टी है वो हमें पता है कि लाल है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो धरती पे 100 kg वजन है वह मंगल ग्रह पे 38 रह जाता है। अब बात करते हैं किताब के कमजोर पक्ष की। तो जब लेखक मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने के लिए खुद जाते हैं, साथ में ही अपने बेटे दवित को और मित्रों को लेकर जाते हैं, साथ में ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जाते हैं,
और जब मोदी पात्र आता है तो कुछ सवाल ठीक है जो लेखक नरेंद्र मोदी पात्र के जरिए करता है, पाठकों तक जानकारी पहुंचाता है, लेकिन ज्यादा ही मोदी गाथा हो जाती है, तो मोदी की ही तारीफ चलती रहती है, तो उसके कारण जो मूल कहानी है किताब की वो थोड़ी सी उस पे लेखक भटक जाते हैं। तो ये मुझे किताब का कमजोर पक्ष लगा। अब बात करते हैं भाषा शैली की, तो लेखक ने सरल हिंदी का प्रयोग किया है और जिस तरह से आसान भाषा में मंगल ग्रह की जानकारी दी है वो लेखक की काबिले तारीफ है। और अब बात करते हैं किताब की रेटिंग की, तो इस किताब को मैं 4.5 आउट ऑफ 5 में से रेटिंग दूंगा। तो ये रेटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है क्योंकि किताब मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, खास तौर पे जो मंगल ग्रह का कथानक है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है और साथ में ही जो धरती बचाने का संदेश देते हैं, क्योंकि अब हम धरती को बहुत ही ज्यादा धरती का विनाश कर रहे हैं, जो कुदरती स्रोत है उसको हम खत्म कर रहे हैं। तो इस उपन्यास को पढ़कर हमें लगेगा कि हमें धरती को अभी से ही बचाने की जो कोशिशें जारी करनी चाहिए, अगर हम अभी से ही लगेंगे तभी धरती को बचा सकेंगे, क्योंकि अभी जो धरती पर गिरावट आ रही है और तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तेजी से, इससे बहुत ही जल्द ग्लेशियर पिघलने लगेंगे जिससे धरती का विनाश तय है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और किताब के रिव्यू के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। जिंदगी जिंदाबाद।